आपके दिल में यदि इस बच्चे के लिए प्यार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। वो राम की खिचड़ी भी खाता है, रहीम के खीर भी खाता है। वो भूखा है जनाब, उसे कहा मजहब समझ में आता है। दोस्तों, मैं दीपू पासवान स्वागत करता हूँ दर्द दिल में। और ये जो कहानी है, ये कहानी एक गरीब बच्चे की ख्वाहिश की है। मैं भी पढ़ने जाता तो कितना अच्छा होता, कुछ बनकर मैं भी दिखाता तो कितना अच्छा होता। अगर गरीबी ना होती इतनी हमारे घर में और इस देश में, मुझ जैसा हर बच्चा भरपेट खाना खाता तो कितना अच्छा होता। अपनी उम्र के बच्चों को जब बेफिक्र खेलते देखता हूं, काश मैं भी मजदूरी ना करके ऐसे ही खेलता तो अच्छा होता। माँ बाबा जब मेरी ख्वाहिश के लिए एक दूसरे के मुंह देखते हैं तो सोचता हूं मैं पैदा ही ना हुआ होता तो अच्छा होता। जब माँ को भूखे पेट सोना पड़ता है, हमें रूखी सूखी खिला करके, तो सोचता हूं मैं कोई बड़ा आदमी बन जाता तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी एक गरीब बच्चे के ऊपर दर्द भरी कहानी थी। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और कमेंट करके अपनी फीडबैक हमें जरूर दें, ताकि आपकी फीडबैक से और आपकी कमेंट से हमें हौसला मिलती है। जय श्री राम।